नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असीम गोयल। मैं प्राइम हेल्थ केयर क्लिनिक में एक बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, या जिसको हम हिंदी में हड्डियों का खोखला होना या हड्डियों का कमजोर होना भी कहते हैं। तो हम कब कहते हैं कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है? बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम बहुत कम हो गया है, वो बहुत कमजोर हो गई हैं और हल्की चोट से या खिंचाव से या झटके से भी वो टूटने का डर है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें बोन्स हैं जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर के लिए प्रोन होती हैं, वो होती हैं आपकी स्पाइन, आपके हिप बोन और आपके रिस्ट। ये फ्रैक्चर्स हम कॉमनली एल्डरली पेशेंट्स में देखते हैं जिनको सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो बेसिकली इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंसान की हाइट थोड़ी सी आपको लगेगा कि कम हो गई है, उसका थोड़ा सा जो स्टूप पोस्चर है आपको लगेगा कि जैसे हम हिंदी में या पंजाबी में कहते हैं कि कुब निकले है, बेसिकली कुब इसको आपको लगेगा कि कुब निकला हुआ है पेशेंट का। इसमें बैक पेन बहुत कॉमनली रहती है, जो हो सकता है किसी कोलैप्स वर्टिब्रा या फ्रैक्चर के कारण भी हो। और इसमें बोन बेसिकली एक्सपेक्टेड जो हमारा ट्रॉमा होता है, जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये ट्रॉमा हुआ है तो फ्रैक्चर हो जाएगा, उससे भी पहले बहुत माइल्ड ट्रॉमा से ही फ्रैक्चर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली दो तरह का होता है, एक प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस और एक सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली होता है जब हमारी एक सर्टन अमाउंट ऑफ एज हो जाती है, जब हमारी हड्डियां थोड़ी कमजोर होने लग जाती हैं, उसको हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दूसरा होता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी एक प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस का ही पार्ट है। इसमें भी हम जब पोस्ट मेनोपॉज फीमेल्स में आता है उसके बाद ही ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस द्वारा काफी हाई होते हैं। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो कोई पर्टिकुलर ड्रग अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत लंबे टाइम चलते हैं तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रहता है। एपिलेप्टिक पेशेंट्स में फेनिटोइन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का डर रहता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस बेसिकली होता कैसे है? जो मोस्ट एक्यूरेट वे है ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस करने की, इसकी ग्रेडिंग करने की, वो है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन आपकी रीढ़ की हड्डी का, आपकी कलाई का और आपके हिप बोन्स का होता है, और इसी से हम ट्रू ऑस्टियोपोरोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना कि सिर्फ कोई एक्सरे में देखने से या कोई ब्लड टेस्ट करवा के देखने से। डेक्सा स्कैन इज द ओनली वे जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। तो इसकी अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशंस की। तो इसमें डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे खाने जो हमें खाने चाहिए या कैसे खाने चाहिए। जो हरी सब्जियां हैं वो हम कहते हैं कि आप बिल्कुल खाएं, हरी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं अपने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करने के लिए। लेकिन इसमें अगर हम एग्जांपल में बात करें तो कैबेज हो गई, भिंडी हो गई, ब्रोकली हो गई, ये अच्छी कंसिडर्ड होती हैं। लेकिन स्पिनच इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि स्पिनच में ऑक्सलेट्स होते हैं जो हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं, तो हमें इसमें स्पिनच अवॉइड करना चाहिए, बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं। सेकेंडली हमें इसमें हाई प्रोटीन फूड्स लेने चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे फूड्स लेने चाहिए और डिसेंट क्वांटिटी में लेने चाहिए जिससे हमारी हाई प्रोटीन इंटेक तो हो लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक ना हो, क्योंकि ओवर एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हैम्पर होती है और इससे हमारी एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की प्रॉब्लम आएगी और उनकी जो एक्सक्रीशन है बोन से वो ज्यादा निकलती है। तो इसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे दूध है, दूध एक बहुत अच्छा सोर्स प्रोटीन का भी है, कैल्शियम का है, तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं टू इंक्रीज द प्रोटीन इंटेक एज वेल एज द कैल्शियम इंटेक। अब आ गया लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जैसे लेंटिल्स हो गए, बीन्स हो गए, ये हम बहुत अच्छा मानते हैं इनको कि ये बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं, लेकिन इसमें हमें किस तरह लेना है ये बहुत जरूरी है। तो बेसिकली लेग्यूम्स में फाइटेट्स होते हैं, फाइटेट्स क्या करते हैं, वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा डिक्रीज करते हैं स्टमक में से और हैम्पर करते हैं। तो हम ध्यान रखें जब भी हम कोई लेग्यूम्स यूज कर रहे हैं जैसे लेंटिल्स हो गया, बीन्स हो गया, तो हम उन्हें 1 से 2 घंटा पानी में भिगो के रखें और उसके बाद उनका इस्तेमाल करें, इससे फाइटेट्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है और इनका जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट रहता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके बाद हम कोशिश करें कि हम सॉल्टी फूड बहुत ज्यादा अवॉइड करें, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो गए, कैन फूड हो गए, इनमें हाई सोडियम कंटेंट होता है जो हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। जो आइडियल सोडियम रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो 2300 mg पर डे है पर इंडिविजुअल, हमें कोशिश करना चाहिए कि इससे हम लोअर साइड ही रहें, इसको हायर साइड ना जाने दें। हाई अल्कोहल और स्मोकिंग इंटेक भी बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती है ऑस्टियोपोरोसिस में, तो इसलिए हमें हाई अल्कोहल और स्मोकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए।
कैफीन कंजम्पशन जैसे चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक्स लेना, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और जहां तक कॉफी की बात है या चाय की बात है तो वो हमें कोशिश करना चाहिए कि 2 या 3 कप से मैक्सिमम ज्यादा एक दिन में नहीं होनी चाहिए। और कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं जिससे हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाए, जैसे टोफू इज अ वेरी गुड सोर्स, जैसे मैं बता चुका हूँ मिल्क एंड चीज प्रोडक्ट्स बहुत, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। हम इसमें फिश बहुत अच्छा ओमेगा फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है जिससे हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है। एलमंड्स बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। जितने भी हम जब हम मिल्क की बात करते हैं, हम सिर्फ जो एनिमल से ओरिजिनेट करता है काऊ मिल्क या फिर ऐसा मिल्क की बात नहीं, जो आपके नट्स नट्स से मिल्क निकलते हैं जैसे आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, वो भी बहुत अच्छे होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। इवन कोकोनट मिल्क भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हमें अपना लाइफस्टाइल इस तरह अडॉप्ट करना चाहिए कि कोई भी एक्टिविटीज जिसमें रिस्की होता है, जिससे हमें गिरने का डर होता है, जैसे साइकिलिंग करना या रनिंग करना या फिर कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलना, वो हमें लिमिट करना चाहिए इसमें, कि हमारी गिरने की टेंडेंसी कम रहे, कि हमारा फ्रैक्चर का रिस्क रिड्यूस हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपको इम्बैलेंस के इश्यूज हैं तो आप वॉकिंग स्टिक या वॉकर यूज करें जिससे आपका बैलेंस बेटर रहे और आपकी फॉल के चांसेस कम हो जाए। सेकेंडली रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। रेगुलर एक्सरसाइजेस से आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। फिर चाहे आप जितना मर्जी कैल्शियम खाते रहें, अगर आपकी कैल्शियम इनटेक प्रॉपर नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं है अगर आपकी प्रॉपर, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी हम करोगे। सेकेंडली आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, जैसे हाई कैल्शियम इनटेक, हम इसमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए भी कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिसफॉस्फोनेट्स हो गए, बहुत सारी ऑप्शंस में इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, ओरल्स भी आते हैं, हम सारे यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके किसी काम आई हो। धन्यवाद।